All of you are aware of the term conflict of interest. Today, we are going to talk about how to handle the conflict of interest. The changing dynamic of research environment and the collaborations can often give rise to conflicts, and this is very much common, and commitments and obligations. Therefore, it is important to maintain the transparency in research and publications by both authors and by the publishers. So we see that there comes the situation when we find that there are conflict of interest, although in general statements we used to say that there are no conflict of interest and we openly disclosed journal her general policy o research paper submit karte hai, so you have to tell that either there is any conflict of interest and there is not any conflict of interest. but there comes the situation where conflict of interest arises now, looking at to those situations where

रिव्यूअर्स हैं उसके जो मेंबर्स हैं उनके साथ कोई फाइनेंशियल या पर्सनल कमिटमेंट या लाइबिलिटी हो कॉन्फ्लिक फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल रिलेशनशिप दीज कैन इंक्लूड डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कंसल्टेंसी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेश टॉक ओपिनियंस ग्रांट्स पेटेंट्स एंड पेड एक्सपर्ट टेस्ट मनीज अब ये सब वो थोड़ी सी साइंटिफिक नेचर की बातें हैं बट इनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि फाइनेंशियल कमिटमेंट्स जो हैं अगर दो पार्टीज के बीच में हो जैसे एक इंडिविजुअल ने अपना एक पेपर एक रिसर्च जर्नल में पब्लिश करने के लिए भेजा है लेकिन वो उस रिसर्च जर्नल को उसका जो सुपरवाइज़र है वो उसका एक मेम्बर है उसका एक रिव्यूअर है और उसको ये थोड़ा सा एक अंदाज़ा है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसके पेपर रिव्यू करता है तो शायद उसके स्टूडेंट को थोड़ी सी प्रिविलेज मिल सकती है कि उसका जो पेपर है वो इजीली पब्लिश हो सकता है सो इफ द सुपरवाइजर इज आल्सो द को ऑथर ऑफ दैट पेपर ही इज आल्सो द रिव्यूअर ऑफ दैट जर्नल देयर कम्स द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो ऐसी सूरत में इसको जो है वो अपनी पब्लिश पेपर के जो सबमिट करवाया गया है पब्लिकेशन के लिए उसके अंदर मैंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि देयर कम्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अदरवाइज अगर नहीं है तो फिर हम उसके साथ एक स्टेटमेंट दे देते हैं नो कॉन्फ्लिक्ट की

ट्रांसजेंडर्स को सपोर्ट कर रहा है या ये क्वीर्स के बारे में रिसर्च पब्लिश कर रहा है वहाँ पर अगर एक रिसर्च पेपर एक स्पेसिफिक किसी मैथोलॉजी या किसी थीम को रख के भेजा जाएगा तो उस जर्नल के स्कोप को एड्रेस करने की बजाय उसके कॉन्सेप्ट को उसके बिलीफ को उसके मिशन को नगेट करा होगा तो प्रोबेबली वहाँ पर भी एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो स्कॉलरली या इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर प्रोड्यूस होगा और उसको भी मैंशन करना इम्पोर्टेंट है क्योंकि रिसर्च में हम चैलेंज कर सकते हैं हम रिसर्च के अंदर जो है वो डिफरेंट uh, चीज़ों के ऊपर अपना नया पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन है तो वहां पर इंटेलेक्चुअल बिलीव्स के हवाले से कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो वो मैंशन करना भी इम्पोर्टेंट है देन एकेडमिक कॉम्पिटिशन इट कैन इंक्लूड बाइस जजमेंट बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन विद पीयर्स एंड कोलीग्स दिस इज़ सम वेरी सेंसिटिव बस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू वो अंडरस्टैंड दट बाज़ात कुछ सीनियर साइकोलॉजिस्ट जो हैं या सीनियर रिसर्चर्स जो हैं वो जर्नल जो हैं उनके चीफ एडिटर होते और वो अपने जर्नल के अंदर अपने जो कंपेटर्स होते हैं उनके स्टूडेंट्स के या उनके कॉलिग्स के पेपर्स जो हैं उनको बगैर किसी रीजन के रिजेक्ट कर देते हैं उनको वो कहते हैं कि हमने इनको इंक्लूड नहीं करना तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट जो है वो अरइज़ हो सकता है बिकॉज ऑफ़ द रिलेशनशिप इन टू डेट एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि बाज़ात किसी जर्नल के अंदर जो एडिटर होता है वो उसके साथ कोई रिलेशनशिप होता है वो रिलेटिव होता है वो फैमिली मेबर होता है वो फ्रेंड्स ग्रुप में होता है तो वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट आ जाता है क्योंकि वो ऐसी सूरत में उनको प्रमोट करते हैं कि ये रिसर्च ज़रूर हमारे पास पब्लिश होनी चाहिए या ये मेरी स्टूडेंट की रिसर्च है या ये मेरे फ्रेंड की रिसर्च है तो इसको चाहे इसकी क्वालिटी थोड़ी कम भी है हम इसको मार्जिन दे देंगे हम इसको दो तीन दफ़ा रिव्यू करवाएंगे और इसको हम इंक्लूड कर लेंगे तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है बिकॉज दीज आर दिचुएशन विध इट सेल्फ आर वेरी अनएथिकल सो ऑल द स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग ऑथर्स एडिटर्स एंड रिव्यूअर्स मस्ट टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो किस किस का हो सकता है ऑथर्स का भी हो सकता है एडिटर्स का भी हो सकता है रिव्यूअर्स का भी हो सकता है ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक इंडिविजुअल का हो जो कि पेपर सबमिट करा रहा है और जो बंदा

इस तरह की बात आप बता सकते हैं क्योंकि ऑल्डो कि वो एक ब्लाइंड रिव्यू होता है लेकिन आप किसी भी टीचर को किसी कोलीग को अपने पेपर का टाइटल तो बता सकते हैं तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचने के लिए जिसको कोई क्वेश्चन ना करे ये बेहतर है कि उसको एडवांस में मैंशन कर दिया जाए मोनिटर रिसर्च एंड रिसर्च रिजल्ट फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड इंटेग्रिटी बिकॉज हमारी रिसर्च का प्राइम पर्पज़ और ऑब्जेक्टिव रिसर्च की इंटेग्रिटी और उसकी ट्रांसपेरेंसी को मैंटेन रखना है

सिर्फ इसकी अवेयरनेस होना और इसको एक अच्छे तरीके के साथ करना इम्पोर्टेंट है ताकि कल को इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन जो है वो ना आ सके और वो रिसर्च जो है वो एक एथिकल तरीके से पब्लिश भी हो सके द वे इट हैज़ बीन कंडक्टेड इन एन एथिकल मैनर